हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी हैं। एक सीट सर जदयू जीत गई है, एक सीट पर राजद के साथ कांटे की टक्कर है। क्या लग रहा है कि दोनों सीटों पे एनडीए के कब्जे में दोनों सीट आने वाला है? हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़े तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान में भी, और दोनों सीट हम जीतेंगे, उसमें कहीं कोई शक स्वभाव नहीं है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दोनों सीट, जहां लोकसभा का सीट है वो एलजेपी का सीट है, हमारा सीट है। दोनों जगह हमारे दल का उम्मीदवार जीता हुआ, सिटिंग एमपी हमारे दल का है। और ये जो जीत हुई है, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ इस जीत के लिए, क्योंकि बिहार की जनता ने ही के फैसला के अनुकूल ये हमारी जीत हुई, एनडीए गठबंधन की जीत हुई। और दूसरा, देश में जो हमारे तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ, ये हमारी जीत हुई। पहले भी ये दोनों सीट जदयू के कब्जे में था, और इस बार भी हम जीते। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता को तो मैं बधाई देता हूँ, साथ साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बधाई देता हूँ कि उनके नीति और नियत में जो बोलते हैं वही करते हैं, जो सरकार की नीति है और उनका जो नियत है दोनों बिल्कुल साफ है। और बिहार के विकास के लिए, मैंने पहले भी कहा था आपको कि बिहार के विकास के लिए वो काफ़ी समय से, शुरू से 16 वर्षों से वो चिंतित रहते हैं और बिहार के विकास की चिंता करते हैं और बिहार के विकास भी करते हैं। जहाँ बिजली नहीं था, रोड नहीं था, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं था, हेल्थ की व्यवस्था खराब था, सभी व्यवस्था को धीरे धीरे उन्होंने लाइन पर ले आया। और यही उनके विकास का एक मूल कारण है कि आज आप देखिए उपचुनाव में भी दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन सर, तारापुर में कांटे की लड़ाई चल रही है, सुबह से वहाँ आरजेडी आ गई थी, अब जदयू बढ़त बना लिए, तो क्या तारापुर में कुछ उलटफेर की संभावना नहीं? कोई उलटफेर की संभावना नहीं है, कोई उलटफेर की संभावना, तो बक्सा में बंद है भाई, वोट तो बक्सा में बंद है। और 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चूँकि मैं चुनाव में गया हूँ, तीन बार मैं तारापुर भी गया, मैं कुशेश्वर स्थान भी गया, और हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे तमाम कार्यकर्ता रात दिन वहाँ खटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, सबको पता है, और हमारा वोट बैंक जो था वो 95% वोट जो है एनडीए गठबंधन को ट्रांसफ़र भी हुआ, इसलिए उसमें कोई शक सुविधा का सवाल नहीं है। ना तारापुर सीट हम निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीतेंगे। आखिरी सवाल, चिराग की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, दोनों सीट पर लड़े, वो प्रचार करने गए थे लेकिन जनता उनके साथ नहीं दिखी इस चुनाव में। भाई ये तो आप चिराग पासवान जी से पूछिएगा कि प्रदर्शन क्यों नहीं अच्छा हुआ, क्या कारण हुआ कि आज से साल भर भी नहीं हुआ है, 11 महीना हुआ है, 11 महीना पूर्व जो लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार था तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान में भी, उसको 13,000 और 12,500 वोट आया, आज अब सिमट गए 3,000 पर, 5,200 पर। ये तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, इतना खराब रिजल्ट क्यों आया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पशुपति पारस, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि दोनों सीट एनडीए के खाते में आएगी, नीतीश कुमार के काम पे हम लोगों ने जो प्रचार किया उसका फायदा मिलने जा रहा है एनडीए को, ये कह रहे हैं पशुपति पारस। दिल्ली से ईटीवी भारत, बिहार के लिए मैं शशांक कुमार।